व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सभी लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया और आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस आज बात करने वाले हैं रेडमी 12 के सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है रेडमी 12 जो है 1 अगस्त को लॉन्च हुआ है, तो इसका सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाले इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल को आपको क्या रखना चाहिए। तो जनरल को आप रख लेना 95, उसके बाद रेड डॉट को क्या कर सकते हो, रेड डॉट को रख लेना 49। जनरल जो रहता है आपको स्किन का रोटेशन टाइम इंक्रीज कर देता है, रेड डॉट जो रहता है वो आपको हेड मारने में सहायता करता है। उसके बाद करते हैं 2x और 4x आपको क्या रखना चाहिए। तो 2x को रख लेना 78 और 4x को कर लेना 98। इसको रखने से क्या होगा, जब भी आप 2x में जैसे एक्समेट ये सब चलाओगे तो उसका एक्यूरेसी जो रहता है इंक्रीज हो जाता है। ये जो स्कोप का मैं सेंसिटिविटी बता रहा हूँ, उसका एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए सेंसिटिविटी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं स्नैपर स्कोप आपको क्या रखना चाहिए। तो स्नैपर स्कोप को आप रख लेना 35 रखने से क्या होगा, जब भी आप स्नैपर चलाओगे तो आपका स्नैपर स्कोप का एक्यूरेसी जो होता है एकदम इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि आप तुरंत मार सकते हो एकदम B2 के जैसे। उसके बाद करते हैं आपको फ्री लुक को क्या रखना चाहिए। अगर आप हाई स्टार की तरह गेम प्ले करना चाहते हो, फ्री स्टाइल गेम प्ले, तो आप फ्री लुक को हमेशा 100 ही रखना और फ्री लुक को सेटिंग से जाकर जरूर से ऑन कर लेना। उसके बाद बात करते हैं आपको DPI कितना इंक्रीज करना चाहिए। डिफॉल्ट DPI जो रहता है मोबाइल में 392 रहता है या 411 रहता है, तो 392 और 411 रहता है, दोनों सेम ही रहता है। इसको आपको इंक्रीज करके क्या कर लेना है, 471 कर लेना है। यस, 471 कर लेना है। इसमें आपको फोन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और नहीं ही आपका ID बैन होगा। ओके, DPI बढ़ाने से ID बैन नहीं होता, ये आपका इंटरनल फोन का सेटिंग में दिया गया है DPI। उसके बाद बात करते हैं आपको फायर बटन साइज क्या रखना चाहिए। तो डिफॉल्ट फायर बटन साइज आता है 40। आपको अगर छोटे फायर बटन में खेलते हो तो उसको आपको क्या करना है, 46 कर लेना। अगर आप बड़े फायर बटन में खेलते हो तो 56 कर लेना। यस गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई फोन का सेंसिटिविटी सेटिंग चाहिए तो कमेंट